प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को प्रभावित करने के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम के बाद अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अरुण जी वार्ड आए हैं, इसमें अरुण सिंह वार्ड सदस्य अध्यक्ष आंध्र प्रखंड, संदीप कुमार सचिव, इसमें हर एक क्षेत्र के वार्ड सदस्य शामिल हैं। वो बता दें कि धारणा आंध्र प्रखंड के ब्लॉक में रखा गया है। दरौली साथीगण, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और सबसे पहले जो सरकार की नियमावली आई थी हमारे पास उपलब्ध है। मुखिया पहले वही काम करते थे जहां उनको वोट मिलता था, दूसरे मंच से उनको मतलब नहीं होता था। तो हमने समझा, हमने के अभी गांव में उनके तरह जैसा बहुत तरह के बात होता, धीरे धीरे हमने कभी चर्चा करी नहीं। तो हमने के अली कर्मचारी सबके भी ये बहुत बड़का भूल बात की वहां तक नहीं जा सकते कि हमने के सरकारी कर्मचारी है जाए, लेकिन वहां तक यही नहीं जाना लेके जाए खातिर बने जाए। तो रोवा के सरकारी कर्मचारी यही खातिर रखा गया कि जनता के जो काम हो के रोवा माध्यम से हो जाए, जनता उससे भी बड़ी मालिक है। हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन का वही बुरा हाल है, हम सभी का शिकायत तो नहीं कर सकते। बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे जो अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरीके से निभाते हैं। जो सफल हुआ तो जो व्यक्ति काम करता है सम्मेलन में कर्मचारी होते हुए कुछ बार सदस्यों से हम बात करते हैं, सरकार के ही काम तो डाक से होती है। यदि कोई फंसाना चाहता है तो जिला कमेटी आप लोग के लिए अभी जिंदा है और जिंदा रहेगा। जय हिंद जय बिहार। एक दिवसीय धरने में सभी वार्ड उपस्थित थे जो अपने बातों को जिला अध्यक्ष के सामने रखे। जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, रघुनाथपुर के वार्ड सदस्य, द्रौली के वार्ड सदस्य, सिवान का वार्ड सदस्य, सब ही यहाँ पर शामिल हैं जो आपको दिखा रहे हैं एटीएम लाइव से ये खबरें। आप सब बताता कि हम बात करेंगे वार्ड सदस्य से ये धरना को किस तरह सफल बनाया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है। अरुण कुमार सिंह वार्ड अध्यक्ष आंध्र प्रखंड, इसमें जिले से जिला अध्यक्ष अनिल जी आए थे, वार्ड अध्यक्ष आंध्र प्रखंड अरुण सिंह, जिले का जिला अध्यक्ष अनिल जी, हम लोगों का मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में सबसे बड़ा रोल हमारा है पंचायत सचिव मुखिया जिलों के मध्य, इसमें सारे कार्य को प्रभावित यही लोग कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ संदेश दिया गया वार्ड सदस्यों को? वार्ड सदस्यों को जानकारी दी गई नियमावली के विषय में कि आपका क्या अधिकार है, आपका क्या कर्तव्य है। अगर इसके बाद प्रशासनिक जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके पास लेटर दिया जाएगा, उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 48 घंटे का पहले अनशन करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, उसके बाद जो भी होगा आगे। किसके प्रति आक्रोश है अभी आपके पास? हम लोगों के पास पंचायत सचिव और मुखिया इन्हीं लोगों के अभी वार्ड सदस्य से हमें बात हुई। हम एटीएम लाइव से सतीश कुमार सोनी आंदर।